दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी GTA 5 को किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करते हैं तो अपने जो गेम के FPS होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, जैसे अपनी गेम लैपटॉप करती है। इसके अलावा गेम का जो आउटपुट मीन्स रिकॉर्डिंग के बाद जो अपना फाइनल गेम प्ले वीडियो बनकर रेडी हो जाता है तो उसमें भी अपनी गेम लैग कर रही होती है, जो कि देखने में बिल्कुल मजा नहीं देती। वे टेंशन ना लो, बस यकीन करो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम बिना किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ही अपनी GTA 5 को 60 या इवन के 90 FPS पर भी रिकॉर्ड कर लोगे। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा बल्कि इसका सीधा सा एग्जांपल अपने सामने है, जो कि है मेरी खुद की गेम प्ले। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मेरी गेम इतनी स्मूथली चल रही होती है कि तुम्हें ऐसा भी होगा जैसे मैं किसी हाई एंड PC में अपनी गेम को मैंने रिकॉर्ड किया हो। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद तुम्हें यकीन ना आए लेकिन मेरे पास अपने PC में सिर्फ 1 GB ग्राफिक्स कार्ड एंड 3 GB रैम है। इसके बावजूद भी मेरी गेम बिल्कुल लैग नहीं करती। मे भी तुम्हारे PC या लैपटॉप में 4 या 4 GB से ज्यादा रैम होगी, 1 या 1 GB से ज्यादा वाला ग्राफिक कार्ड होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी गेम रिकॉर्ड करने के बाद लैग करती है, तो आखिर इसे फिक्स कैसे किया जाए? लाइक मेरी तरह बिना किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अपने GTA 5 को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? तो दोस्तों आज मैं तुम्हें फ्री में बगैर किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अपने GTA 5 को 60 एंड इवन के 90 FPS पे रिकॉर्ड करना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। ना होगा ये कि तुम अपनी GTA 5 को बिना किसी लैग के बिल्कुल स्मूथली रिकॉर्ड तो कर लोगे, लेकिन इसके बाद जो फाइनल वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा उसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देख नहीं सकोगे, क्योंकि वो वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन पे सेव होता है जिसकी वजह से फाइंड करने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ स्किप मत करना, मैं तुम्हें अपने फाइनल वीडियो को प्ले करना भी सिखाऊंगा। बाकी अगर आगे आपकी मर्जी है स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले ना हमने अपनी GTA 5 गेम को ओपन करना है। गेम ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऐसा करना जहाँ से ना आप अपनी गेम प्ले स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ उस लोकेशन पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी गेम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ सिंपली हम F1 बटन प्रेस करेंगे, जिससे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तुम जो भी चाहो, जैसा भी गेम प्ले चाहो, मीन्स के जो भी फुल अपनी गेम प्ले कर रहे हो तो वो अपनी गेम रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अभी मैंने इस मैकेनिक को मार दिया, उन्हीं में जल्दी से अपनी लैंड क्रूजर में बैठकर आगे निकलता हूँ। ये ना फुल गेम प्ले में आपको बना के दिखाता हूँ। एंड अभी देखना अभी अपनी गेम कितनी लैग कर रही है, सही है ना? लेकिन जब ना ये अपना फुल रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद जब हम अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे ना अपनी गैलरी में, तभी देखना अपनी गेम इतनी स्मूथ चलेगी कि यार आपको खुद ही आंखों पर यकीन नहीं होगा कि भाई आपने खुद ऐसा गेम प्ले बनाया है। अभी हमारे FPS है ना 15-20 आ रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट हमारा बनेगा ना मीन्स फाइनल वीडियो, वो देखना फुल यार 70x90, बिल्कुल 90 FPS पर ऐसा लगेगा जैसे गेम चल रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, टनल से निकल कर आगे फ्रूट वाला है ना, वहाँ फ्रूट वाले बंदे को मारकर अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं। मीन्स के मेरी गेम प्ले फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक है, ये अगर फ्रूट वाला है ना इसको मारने के बाद मैं अपनी गेम प्ले को ख़त्म करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ऐसा करूँगा, पहले मैं इसको मारता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं उतर गया, अपना पिस्टल मैंने लिखा लिया, अभी ये गया। ओके, तो इसको मैंने मार दिया। एक सेकंड पीछे से यार किसी की गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो शायद ये बंदा कोई है जो मुझे मारना चाहता है। वो सामने गाड़ी से उधर है ना, पहले इसको मारते हैं फिर उसके बाद अपनी गेम प्ले को ख़त्म करते हैं। तो ये बेचारा अभी मर चुका है, बेचारा तो नहीं है अभी ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम पर ना अपनी गेम प्ले ख़त्म करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ऐसा करूँगा कि F1 बटन प्रेस करूँगा जिससे अपनी ये जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाएगी। नाउ आपने ना अपने मेन्यू ट्रेनर से अगर कोई भी चीज़ स्पॉन करिए तो इसको आपने रिमूव कर लेना है। मैंने यहाँ पर टोयोटा लैंड क्रूजर है वो मैकेनिक स्पॉन किया था, तो मैंने इनको रिमूव कर लिया। अभी हम अपने वीडियो को एडिट करते हैं, सिंपली एस्केप बटन प्रेस करना है। लास्ट में आपको देखेगा यहाँ पर ना राइट एरो से आप मूव करना, रॉक स्टार एडिटर देखेगा, सिंपली इंटर करके इसमें इंटर हो जाना। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर एंटर करना, देन यस पर क्लिक करके ऐड क्लिप करना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो अपनी फर्स्ट क्लिप आ चुकी होगी। इसका टाइम और इसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन भी आप देख ही सकते हो। सिंपली आप एक बार इसे इंटर करना, उसके बाद यहाँ पर ना आप चाहो तो मीन्स के आपका वीडियो अगर बड़ा है तो आप बैक आकर
एड क्लिप करना, उसके बाद दूसरे क्लिप्स भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जेके जेमर लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं ना आपको दूसरे क्लिप्स भी ऐड करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जेके जेमर अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लिया है। अभी सिंपली आपने ऐड क्लिप पर एंटर करना है। अभी ना आपके सामने ये जो और भी गेम प्लेस दिख रही होगी, आपके पास तो नहीं आएगी, मेरे पास पहले से ही रिकॉर्ड है तो इसलिए आ रही हैं। मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी ना हमने ऐसा करना है, बैक आ जाना है बैक स्पेस बटन से, उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव करके अपने एक्सपोर्ट में चले जाना है। उसके बाद वीडियो को तुम 60 FPS और बिटरेट में हाई करके एक्सपोर्ट पर इंटर करना, उसके बाद यस करना। यहाँ पर ना थोड़ी देर लोडिंग होगी, उसके बाद अपना जो हमने वीडियो गेम प्ले रिकॉर्ड किया था ना फुल जीरो से लेकर एंड तक वो चलेगा। उसके बाद जो अपना वीडियो है ना वो गैलरी में आ जाएगा। लेकिन हाँ, गैलरी में भी तुम्हें सही से तुम नहीं ढूंढ पाओगे, तो यहाँ पर मैं ना आपको एक मोड इंस्टॉल करना सिखाता हूँ, उसके बाद आप ना अपने वीडियो को आराम से देख सकोगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो अपनी ये जो है ना एक्सपोर्ट प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पर ना अपना जो वीडियो है ना फुल 100 तक लोड हो जाएगा। उसके बाद ना अपना ये जो फुल वीडियो है ना अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली, वरना वीडियो में यार बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपना ये जो एक्सपोर्ट है ना फुल 100 लोड हो चुका है। तो यहाँ पर ना थोड़ी देर लोडिंग होगी, इतनी भी नहीं होगी, सिर्फ कुछ ही सेकेंड। यहाँ पर थोड़ी अपनी गेम आप समझोगे कि लेग हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो सर्किल वाला निशान है एक जगह पर रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ओके वाला ऑप्शन, मींस कि अपना वीडियो फुल सेव हो चुका है। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया ओके, तो अपना वीडियो यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी एक्सपोर्ट हो चुका है। तो सिंपली हम ओके पर एंटर करेंगे, उसके बाद बैक आकर अपनी गेम को क्लोज कर लेंगे। अभी ना अपना वीडियो कहाँ सेव हो चुका है वो लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ओके तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर मेरी खुद की गेम प्ले सेव हुई। तो यहाँ पर मैंने ना लोकल डिस्क ई में अपनी गेम सेव करी है, एंड यहाँ से ना मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कितनी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है अपनी गेम। यहाँ पर देखना अपना वीडियो स्टार्ट हो चुका है, वॉल्यूम कम कर देता हूँ, और यहाँ पर देख ही सकते हो कितना स्मूथली अपनी गेम चल रही है। ओके तो यहाँ पर ना आपने कैसे सेव करना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन से एक मोड डाउनलोड कर लेना है EVE के नेम से, एक्सट्रेलियन वीडियो एक्सपोर्ट के नेम से। तो यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन करना, देन अपना डाउनलोड किया मोड ओपन करके यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। यहाँ पर मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो मैंने इनको कॉपी एंड रिप्लेस कर दिया है, इनको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरी GTA 5 प्ले हो रही है, नीचे आप देख ही सकते हो। तो इसलिए आपका पास ये कुछ भी नहीं आएगा, तो आप सिंपली कॉपी कर लेना। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, इन दो फाइल्स को कट कर लेंगे सिंपली। यहाँ वहाँ पर हमें चले जाना है जहाँ पर हम अपनी गेम को सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोकल डिस्क ई में सेव करना चाहते हैं, तो मैं आ चुका हूँ। या इस एरो पर प्रेस करके हमने ना कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है, इसको कट करेंगे, अपने GTA 5 में आ जाएंगे। नाउ यहाँ पर हमने EVE के फोल्डर में जाना है, उसके बाद एक्सटेंडेड वीडियो एक्सपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ आउटपुट फोल्डर में इसको कंट्रोल प्लस री बटन प्रेस करके पेस्ट करके सिंपली सेव करके इसको क्लोज एंड इसको भी क्लोज कर लेंगे। ओके तो दोस्तों, यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आप अपने GTA 5 के ग्राफिक्स मेरी तरह करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। अगर आप अपने GTA 5 में लैंड क्रूजर एंड टोयोटा रिवन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ।